स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आखिरकार गुस्सा फूट पड़ा। जी हाँ, हम आपको बता दें, समय सहायता समूह की महिलाएं आज नारनौंद की अनाज मंडी के अंदर भारी संख्या में इकट्ठी हुई और इस दौरान उन्होंने उनके जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका ये साफ तौर से कहना है कि उनके लिए जो बातें कही जाती हैं, जो वेतनमान देने की बातें कही जाती हैं, जो उनको रोजगार देने की बातें कही जाती हैं, जो उनसे काम लेने की बात कही जाती है, वो सारी की सारी झूठी हैं। इनका यह तो कहना है कि अखबारों के अंदर जो 3500 महिलाओं को रोजगार देने की बात है वो भी साफ साफ झूठी है, वो भी सरेआम बहुत बड़ा आम जनता के साथ धोखा है। तो हमारे से वादे किए गए थे मशीन का और कंप्यूटर का, जो भी हमारा खर्चा है वो वादे किए गए थे, हमको कुछ भी नहीं मिला। 3500 लुगाइयों से काम करने के लिए अखबार में ऐड करी है, हमारे को ये जवाब दो 3500 लुगाई है कहाँ? हमारे को हमारी बहनों को दिखाओ, जो बहन ने 30-35 ने जो काम मिला हुआ है वो उसने कभी किसी भी ने पेमेंट नहीं मिली है, वो सारी बहन मेरे साथ है। मतलब अखबारों में जो बातें आई है वो सिर्फ झूठी आई है? हाँ जी, झूठी आई है जी, एक भी सच्चाई नहीं है। आप कार्रवाई कर सकते हो और किसी भी तरह कार्रवाई कर सकते हो, अगर कोई भी इसकी सच्चाई मिल जाए तो देख। अब क्या चाहते हो आप? हम तो जी इसकी, इन दोनों अनु मैडम की और वीरेंद्र की बदली भी चाहते हैं, और हमने अपना इंसाफ चाहिए। जो हमारे से वादे किए गए थे हमने अपने वादे पूरे होने चाहिए। पहले तो हमारी ये जांच होनी चाहिए जरूर, क्यों उठाए गए हम? नहीं जांच हुई तो? नहीं हुई तो जी हम आवाज उठाओगे और नारे भी लाओगे और हम बदली करवा के छोड़ देंगे। जो कैप्टन अभिमन्यु ने 6,40,000 रुपए दिया था उसका हमें हिसाब नहीं, किसी भी चीज का नहीं है। कोरे कागजों पर साइन करवाता और पता नहीं क्या करता, उस चीज का हमें नहीं पता क्या करता है वो। कौन है? वीरेंद्र सोरान और अनु मलिक, ये दोनों है जी ब्लॉक में, यही है जी, और तो किसी को टिकने ही नहीं देते। कोई अच्छा आदमी आ जाओ उससे तो टिकने ही नहीं देते, अगर कोई महिला को थोड़ी बहुत बातचीत बता दे तो उसको तो टिकने ही नहीं देता बिल्कुल भी। हम आपको बता दें, हमारे पीछे यहाँ पे भारी संख्या में समय सहायता समूह की महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई है, और इन महिलाओं का ये आरोप है कि जो इनके पदाधिकारी हैं उन्होंने इनके साथ धोखा किया है, इनसे वायदा किया था कि वो इनको रोजगार देंगे और रोजगार के साथ साथ वेतनमान देंगे, लेकिन ना ही तो इन्हें रोजगार दिया गया और ना ही इन्हें वेतनमान दिया गया। और जिन महिलाओं को रोजगार मिला 30 से 35 के करीब, उनको भी पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला। 2,00,000 रुपए ट्रेनिंग का खर्चा दिखा रखा है, लेकिन वो ट्रेनिंग किस महिला को दे रखी है और किस रोजगार के लिए दे रखी है उसका आज तक कोई पता नहीं लगा हमें उसका हिसाब चाहिए पूरा, भाई वो कौन सी ट्रेनिंग दी गई है। वैसे तो हमें ट्रेनिंग के लिए नीलो खेड़ी भेज देते हैं बार, और कहते हैं तुमको आने के बाद भाई काम दिलवाएंगे। हम ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं, घर बैठ जाते हैं और अपने घर पे ही बैठे रहते हैं। आज तक हमको कोई रोजगार नहीं दिलाया गया और ना ही हमारी को सुनवाई होती। कौन कौन करता आपके साथ ये धोखा? ये सर हमारे वीरेंद्र सर हमारे पास फोन करते हैं, भाई वहाँ ट्रेनिंग ले आना तुमको रोजगार देंगे। हम ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं सर, फिर आने के बाद हम काम भी करते हैं लेकिन हमको पैसा नहीं मिलता। फिर भी अब हमने सर्वे का काम किया था सर, हमें 4 महीने का काम किया था लेकिन अभी तक हमें कोई पैसा नहीं मिला। और अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो? सर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम और आगे तक आवाज उठाएंगे और आगे तक जाएंगे है सर। और ना ही हमें आज तक, मैं खुद BLF की सचिव हूँ लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता कि BLF का हिसाब सच में है क्या। हमें पूरा हिसाब चाहिए सर BLF का। 15 में मैं समूह सेविका लगाई गई थी और 1 साल का मानदेय पंचकुला हेड ऑफिस से बताया गया था कि ये भाई आपका वहाँ से आएगा और उसके बाद आपका ग्राम संगठन से दिया जाएगा या ब्लॉक संगठन से दिया जाएगा, लेकिन उसमें अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2 साल के बाद मेरा 1 साल का मानदेय तो यहाँ आ चुका है ब्लॉक में, लेकिन ब्लॉक में आने के बाद भी 3 महीने हो गए वो आए हुए। कभी कह दे हैं मीटिंग में कराएंगे, कभी कह दे हैं बाद में कराएंगे, मतलब इस तरीके से मेरे को 3 महीने हो गए परेशान होते हुए। जैसे मेरे घर में भी दिक्कत चल रही है, मैंने ये भी कह दिया सर मेरे को BLF से दे दो, कहीं से भी दे दो, मेरा पैसा दे दो और वो वैसे ही काट लियो आप वहाँ से, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही सर।
मांग ही रहे हैं, पूरी नहीं होती तो जी पंचकुला हेड ऑफिस फोन करेंगे या फिर कहीं और करेंगे। इसी बात को लेकर अब इनका गुस्सा फूट पड़ा है और ये सिर्फ यही चाहती हैं कि इनको इंसाफ मिले, इनको वेतनमान मिले, कि अब इस मामले का पर्दाफाश होना चाहिए। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर दिए हुए बयानों की आज पोल खुलती हुई नजर आई। इन महिलाओं ने उन सभी बयानों की, उन सभी बातों की आज पोल खोल के रख दी। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो विभाग है वो क्या कार्रवाई करता है, लेकिन इन महिलाओं ने चेतावनी दे दी है कि जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, तब तक वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगी। विशेष सहयोगी संदीप जांगड़ा के साथ अजय लोहान, बिंदास, हरियाणा।